सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का टॉपिक लेकर आपके समक्ष आई हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, जीवन की कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति में लाई गई भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो जीविका को चलाने के लिए साधन होता है। ऐसा ही एक टॉपिक पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में आज हम समझेंगे। पहले तो हम बच्चों ये जानें कि पुस्तकालय का अर्थ क्या है। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का आलय, अर्थात पुस्तकों का घर, जिसमें विविध विषयों की, भाषाओं की सारी पुस्तकें एक साथ संग्रहित करके पाठकों को मिल जाती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग आज प्रयोजन मूलक हिंदी का, पुस्तकालय का महत्व एवं उपयोगिता, पेज नंबर 10 पर समझेंगे। पुस्तकालय पुस्तकें विविध विषयों पर विविध भाषाओं में विविध विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। तो पुस्तकें यानी बहुत सारी पुस्तकें जो अलग अलग विषय पर होती हैं, अलग अलग भाषाओं के द्वारा लिखी जाती हैं, और उनके विद्वान, उनके जो लिखने वाले लेखक हैं वो भी अलग अलग होते हैं। विश्व में मानव ज्ञान के जितने भी क्षितिज हैं, क्षितिज अर्थात ज्ञान आदि की सीमाएं, उनमें से अधिकांश पर सरल ज्ञानवर्धक, ज्ञान देने वाले एवं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस तथा सार गंभीर प्रभावकारी जानकारी देने वाली पुस्तकें उपलब्ध हैं। व्यक्ति अपने घर में अपने सीमित संसाधनों से अधिक संख्या में पुस्तकें खरीद कर रखने की कोशिश करता है, फिर भी उसकी यह कोशिश अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि बच्चों हम बहुत सारी पुस्तकें अपने घर में संग्रहित नहीं कर सकते, इसीलिए वो कोशिश करने पर भी हमारी इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं। इस दिशा में पुस्तकालय पुस्तकों के आलय अर्थात घर है। एक छोटे से विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं। ये सभी जगह पर, छोटा सा स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी जगह पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी तो हुआ करती हैं, जिनमें सरकारी सहायता से अनेक विषयों की प्रकाशित पुस्तकें खरीदकर पाठकों को उपलब्ध कराई जाती हैं, कि गवर्नमेंट के द्वारा अनेक विषयों की पुस्तकें भी जो पढ़ने वाले हैं पुस्तकों को, उनके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, तथा अनेक दुर्लभ ग्रंथ को सुरक्षित रखा जाता है जिनको हम खरीद नहीं सकते, शायद ही हमें मिलते हैं, ऐसे ग्रंथों को भी वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। आजकल पंचायत से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सरकारी कार्यालयों आदि के भी अपने अलग पुस्तकालय मौजूद होते हैं, जहाँ पाठक अपनी ज्ञान पिपाशा को शांत करते हैं। प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय निर्देशालय हैं, जो कि सरकारी खर्चे पर लेखकों और प्रकाशकों आदि से थोक में पुस्तकें खरीदकर उनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पुस्तकालयों से पुस्तकें भेजते हैं, ताकि पाठकों को प्रत्येक विषय भाषा की पुस्तकें उनके निकट के पुस्तकालय से आसानी से मिल सके। अब पुस्तकालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। वैसे तो हर समय में पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, क्योंकि संचित ज्ञान का भंडार इनमें सदैव उपलब्ध रहा है। पुस्तकालय विज्ञान के अनुप्रयोगों के साथ आज पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का भी उपयोग पाठकों को त्वरित यानी जल्दी शीघ्र रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए करने लगे हैं। बाल ग्रंथालय, बच्चों के लिए भी अलग अलग ग्रंथ होते हैं जिन्हें हम बाल ग्रंथालय कहते हैं, वहाँ वो विभाग से लेकर के भाषा विषय आदि के क्रम में पुस्तकें अत्यंत व्यवस्थित रूप से पुस्तकालय में रखी जाती हैं, कि बच्चों को से लेकर के बड़ों तक की सभी की पुस्तकें पुस्तकालय में मिल जाया करती हैं और सुनियोजित ढंग से रखी जाती हैं। अलग अलग अलमारी में अलग अलग उनके पुस्तकें पाई जाती हैं।
ताकि प्रयोक्ता को पुस्तकों तक पहुंचने की पहुंच बनाने में सुविधा हो सके। साथ ही प्रयोक्ता पुस्तकालय के कंप्यूटर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज के आधुनिक ज़माने में कि आधुनिक समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से उसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस अलमारी में कहाँ पर हमें पुस्तकें मिलेगी, कि जिस पुस्तक को वह पढ़ना चाहता है वो पुस्तकालय में उपलब्ध भी है या मौजूद है या नहीं, कोई पाठक उसे ले गया है, यह सब जानकारी हमें कंप्यूटर के माध्यम से भी मिल सकती है। आजकल इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क का जमाना है, अतः प्रयोक्ता ए-फिल्म-नेट की वेबसाइट पर जाकर बहुविध जानकारी एक क्लिक में प्राप्त कर सकता है। आजकल प्रयोक्ता का दौर है प्रतियोगिता का दौर है, अभी जो है कंपटीशन का ज़माना है, तो तथा शिक्षा से लेकर रोजगार तक प्रतियोगिता ही प्रतियोगिता है, जिसमें सफलता के लिए पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करनी होती है। प्रत्येक विषय की श्रेष्ठ अद्यतन सारगर्भित गर्भित उपयोगी एवं विविध विषय की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में एक जगह ही मिल जाया करती हैं, जिन्हें हम संबंधित पुस्तकालय की सदस्यता प्राप्त करके उसके वाचनालय में भी पढ़ सकते हैं। कि बच्चों वहाँ पर बैठ करके भी हम उनके एक मेंबर बन गए और वहाँ पर तथा नियत समय के लिए जारी कराकर घर में भी हम पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए तो अत्यंत कीमती विश्व स्तरीय अद्यतन पुस्तकें हमें पुस्तकालय में ही मिलती हैं, अतः पुस्तकालय का महत्व हमारे लिए अत्यधिक है। अब पुस्तकालय की उपयोगिता, हमारे जीवन में उनका उपयोग कितना साबित होता है वो जानेंगे। तो पुस्तकालय चूँकि विविध विषयों की पुस्तकों के ज्ञानाकार होते हैं, अतः विविध भाषाओं और विषयों की पुस्तकें हमें पुस्तकालय में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। पुस्तकालय की सदस्यता मेंबरशिप उसकी ग्रहण करने में हम पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का उपयोग भी कर सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, अतः पुस्तकों से दोस्ती ही सच्ची दोस्ती होती है, क्योंकि वे हमारा ज्ञान वर्धन तो करती हैं, साथ ही हमें सच्ची राह भी दिखाती हैं। आजकल पुस्तकालय अद्यतन सुविधाओं से सुसज्जित होकर पाठकों की सेवा और अच्छी तरह से करने हेतु प्रस्तुत हो रहे हैं। पुस्तकालय प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रिकाएं भी पाठकों हेतु मंगवाते हैं, अतः ज्ञान के साथ सूचनाओं के भी हमें पुस्तकालय के माध्यम से अद्यतन करते हैं, कि जिसमें हम पुस्तकालय में जाकर के समाचार पत्र पत्रिकाएं जो आज की खबरें हैं वो हम सब वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं। तो आज के ज़माने में पुस्तकालय मानव जीवन के लिए उसके ज्ञान वर्धन हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो बच्चों ये हुआ पुस्तकालय का महत्व और उसकी उपयोगिता। अब हम एक दो वाक्यों के उत्तर और 5-6 वाक्यों के उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी प्रश्न नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।